कुछ दिनों में करवा चौथ का पर्व आने वाला है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो जो सुहागिन महिलाएं पहली बार यह व्रत रखना चाह रही हैं, वह किन नियमों का पालन करना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है? हर हर महादेव, जय बाबा वेदना। करवा चौथ में महिलाएं जो पहली बार व्रत करना चाहती हैं, वह उसके लिए नियम जो है कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले उसका नियम है कि करवा चौथ के दिन वह उपवास में रहें, जल ग्रहण न करें, फलाहार भी मना है। और उपवास रखने के बाद उस दिन संध्या काल में जब चंद्रोदय होगा, तो चंद्रोदय के समय शादी का जो जोड़ा होता है और सिंदूर का जो किया होता है, उसको साथ में लेकर के व्रत करना चाहिए। और उस दिन थाली सजाना चाहिए, पूजन सामग्री जिसमें रोली, कुमकुम, चंदन, पीतल का लोटा में अर्घ, एक छन्नी, काजल और श्रृंगार का सामान अवश्य होना चाहिए उस थाली में। और पूरे 16 श्रृंगार सभी श्रृंगारों के साथ लैस होकर के रात में चंद्रमा को अर्घ दें। और अर्घ देने के बाद करवा चौथ के व्रत की कथा को सुने, और सुनने के बाद कथा जब हो जाए, चंद्रमा का उदय हो जाए, चंद्रमा को अर्घ पड़े, इसके बाद अपने पति का चेहरा जो है वह छन्नी में देख करके ही व्रत, जो मैंने मैके से आया हुआ हो उसी समान से पति के हाथों से ही व्रत तोड़ें, अपने हाथों से भोजन करके ग्रास करके व्रत को न तोड़ें। रात में अपने पति के हाथ से थोड़ा सा भोजन करके इसके बाद ही व्रत को तोड़ें। नई नवेली दुल्हन के लिए 16 श्रृंगार अति आवश्यक है। श्रृंगार करें भी और थाली में रख करके किसी को दान के रूप में श्रृंगार का सामान अवश्य दें।